अभी अभी ये टक्कर दे रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ऐसी बाइक जो मतलब अलग ही लेवल की है। ये देखिए आप, ये हमारे पास रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT है ट्विन सिलेंडर, एंड ये हमारे पास है KTM RC390 BS6 मॉडल। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन टेस्ट हम करने वाले हैं और देखने वाले कि कौन सी ज्यादा फास्ट है। हालांकि वो सिंगल सिलेंडर है, बट सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद कई सारी डुअल सिलेंडर बाइक्स को वो टक्कर देती है बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड ये तो ऑलरेडी डुअल सिलेंडर है, बट इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, तो इसको विंड ब्लास्ट का थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर होता है। तो हमने सोचा इन दोनों को भगाते हैं, मजा लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी ज्यादा फास्ट है एंड कौन सी कितनी कैपेबल है एक दूसरे को पीछे करने में। एंड अभी तक हमें सच में कोई रिजल्ट नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। वैसे हमें लगता है कि GT जो है वो क्रॉस कर सकती है 390 को, बट 390 की भी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा है। तो लेट्स वॉच कि क्या होता है इस वीडियो में। तो गाइस, RC390 प्रोड्यूस करती है 43.5 BHP की पावर एंड कॉन्टिनेंटल GT जो है 47.5 BHP के आसपास पावर जनरेट करती है। तो देखते हैं कि स्पोर्ट्स होने का इसे कितना फायदा मिलता है उससे। इनिशियल में बहुत अच्छे से निकलती है ये, एंड टॉप एंड में देखते हैं क्या होता है। विंड ब्लास्ट थोड़ा ज्यादा है, तो हम GT का सहारा थोड़ा सा ले सकते हैं। ओह शिट, लिमिटर हिट हो गया। एंड GT निकलती जा रही है कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि GT टॉप एंड में निकली है, इनिशियल में नहीं निकल पाई। इनिशियल में स्पोर्ट्स बाइक काफी अच्छा निकल गई, एंड GT तभी निकली जब ये टॉप एंड तक पहुंच चुकी थी ऑलमोस्ट। तो हम राइडर स्विच करेंगे एंड फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट होंगे। अब देखते हैं भैया, वॉवेल तो नहीं हो रही है, वॉवेल तो नहीं हो रही है, तब ठीक है। फिर इसमें यही दिक्कत है, चले ये तो हार गया। प्लस जा रहा हूं मैं।
170 पहुंच चुका हूं। ऑलमोस्ट 180 पहुंचने वाला हूं भाई। आरसी को देखते हैं कितना पीछे रह गई है। ये आ गई आरसी, ज्यादा पीछे नहीं थी बट ऑलमोस्ट 180 में पहुंचने वाला था एंड काफी अच्छा पुल कर रही है, मजा आ गया बिल्कुल कदर। कितना गैप था हमारे बीच में? ठीक ठाक था, नॉर्मल गैप हो गया था ना, कंटिन्यू बढ़ रहा था यार। 170 पे लिमिटर आ गया था, समझ गए थे इससे आगे हम नहीं जा सकते। चलो एक बार और थोड़ा लॉन्च करते हैं। हाँ सौ पे बराबर आ गया हूं और क्रॉस कर दिया मैंने। अभी अभी ये टक्कर दे रही है। चलो बस यही देखना था मुझे एक्चुअल में, जो देखना था कि ये कितने पे इसके बराबर जा पाती है, तो 100 तक नहीं पीछे कर पाती, 100 के बाद ही निकलती है। एंड इनिशियल के मैटर में आरसी 390 को ये नहीं हरा पा रही है, इनिशियल में वो आगे निकल रही है बट टॉप एंड इसका अच्छा है, 100 के बाद ये बहुत इजीली निकल जाती है एंड 180 की स्पीड टच करती है। एंड ये जो 200 मीटर है ना, आप 200 तक का मीटर इसका खोल सकते हो, उसके लिए आपको कुछ चेंजेस कराने पड़ेंगे, लाइक ये जो डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम है इसका वो सिंगल कराना पड़ेगा, वेट इसका कम कराना पड़ेगा। जैसे जैसे बाइक का वेट कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी टॉप स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। बाकी यहाँ तो जीटी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, एकदम दिल खुश हो गया, मजा आ गया। तो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।